यहाँ पे कुछ लकड़ी के सामान से, बांस से, कुछ कुछ यहाँ पे काफी सारे प्रोडक्ट बनाए। उससे भैया से जानेंगे कि यहाँ पे क्या क्या सामान बनाते हैं और क्या क्या से बनाते हैं। हम लोग बनाते हैं जी लकड़ी से, हम बांस। हम तो, हमारा सेंटर है परचनपाल, जगदलपुर परचनपाल। हम लोग परचनपाल से हैं, मैं तो रहने वाला केसकाल से हूँ। मैं तो, हमारा सेंटर क्या लकड़ी पर शिल्प कला है, पर हाथ से बनाते हैं। ये देखो ना, पूरा हमारा लेटर बॉक्स है, दीवार हैंगर है, कप है, ये सब हाथ से बनता है जी। मैं तो अभी हर आते आते पूरा कई बार शुरू से दूसरे साल से मेरा आया हुआ है, अभी कर, अभी 15 साल चल रहा है मेरा। ये देखो, ये लकड़ी से पूरा बना हुआ है, ये बच्चे लोगों को खेलने है, क्या चीज़ है ये लकड़ी का, जैसे बच्चे लोगों को खेलते हैं लकड़ी के, जैसे कई लोग प्लास्टिक को खेलते हैं, एक बार टूटता है, ये बच्चे लोग जैसे खेलने वाले जो छोटे छोटे बच्चों सब खेलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको इसको हमारा ढाल तलवार है जी। ढाल तलवार ये हमारे जो ये रानी दुर्गावती का जो पहले का जो खेलने का। अच्छा, क्या चीज़ से बना? ये लकड़ी से बना हुआ है, लकड़ी से बना हुआ, इसमें पूरा निशाना बना हुआ है, नट बोल्ट से लगा हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे आए मेला में, उसके बाद आपका कोई स्थायी दुकान है क्या? स्थायी दुकान कहाँ पे? स्थायी दुकान केसकाल में है, केसकाल में दुकान है, जैसे डिपो के जस्ट बाजू में है, वन विभाग से पूरा लगा हुआ है वहाँ। शिल्प कला बोल से बताएंगे कोई भी। आप यहाँ का जो वीर मेला खत्म होगा उसके बाद कहाँ जाओगे नेक्स्ट? अब जैसे भी कहीं भी कार्यक्रम होता है, यहाँ के बाद हो जाए उड़ीसा में कार्यक्रम होता है, और अभी अब 18-19 का कुछ वहाँ है हमारा, ये अपन तुम्हारा हमारा महाराष्ट्र में, वहाँ भी जहाँ जहाँ हमारा आदिवासी कार्यक्रम होता है वहाँ जाता ही हूँ मैं पूरा सामान लेके। आपका शुभ नाम बता दीजिए और घर कहाँ है? बी आर सूरी केसकाल। हाँ, तो भैया थे केसकाल से, काफ़ी यहाँ पे लकड़ी से खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें देख सकते हो, सामान बनाए हैं यहाँ पे, पर्स बनाए हैं। तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं केसकाल पे, आप अपने एड्रेस को बताएं और आप वहाँ पे कम रेट में, कम प्राइस में आप खरीद सकते हो।